हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो जी, ये हमारे वही भाई साहब हैं जो इससे पहले 16 मिनट जिन्होंने बात की थी बड़ी शालीनता से। और ये जो रिकवरी वाले दल्ले होते हैं ना, और दल्लियाँ जो होती हैं, ये लात के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। तो इनसे अगर कम शब्दों में बात करनी है ना, तो शुरू में ही गाली दे दो, बस ये भग जाते हैं। और अगर आप जितनी शालीनता से बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, उतना ये लंबी बात होगी आपकी। आप सोचो कि आप इनको अपनी परेशानी बता दो और ये छोड़ दें, नहीं। ये इनके ना गांड में मैनेजर का लंड होता है, सुबह सुबह मैनेजर डाल देता है जी आज तुझे इतने से उगाना है। तो इनको नहीं फ़र्क पड़ता ग्राहक किस कंडीशन में है, इनको बस उसकी गांड माननी ग्राहक की। तो ये भाई साहब ने शुरू में उससे बड़ी तमीज़ से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं माना, तो फिर भाई साहब ने गालियाँ भी दी हैं। तो आइए सुनते हैं मजेदार ऑडियो। हेलो 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 संता देवी जी, कहाँ से बात कर रहे सर? पेटीएम से बात कर रहा हूँ सर, पेमेंट करवा दो ना पेटीएम पोस्टपेड की। हेलो नोटिस डाल रहा हूँ सर कोर्ट में। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ ये पेमेंट नहीं क्यों नहीं करवा रहे है? 2-3 हजार रुपये तो छोड़ भी देता, 35 हजार रुपये लेके बैठे हो आप। क्या नाम है सर आपका? है? क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर लकेश है, बताओ। तिलक नाम है आपका? लकेश, लकेश, लकेश नाम है असली। हाँ, आप क्या कह रहे हैं सर आप मुझसे? मैं ये कह रहा था कि लीगल नोटिस दिखाऊं क्या सर? 35 हजार रुपये केस है, 2-3 हजार रुपये होते तो मैं छोड़ भी देता आपके। नहीं, 2-3 हजार छोड़ नहीं, आप क्या बोले, कोई केस बैठाऊं क्या मतलब? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं सर, केस बैठाऊं क्या? आपकी आवाज कर क्लियर नहीं आ रही है, ऊपर दोबारा कॉल। दोबारा कीजिए सर कॉल। रिकॉर्डेड लाइन है सर, दोबारा कीजिए सर कॉल। हाँ दोबारा कर रहा हूँ। हाँ जी सर, अब बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये जो पेमेंट ले ही है, आपने देने नहीं है क्या इसको? नहीं सर, ये आपसे किसने कहा कि सर मुझे देना नहीं है पेमेंट? आपके लक्षण तो लग रहे पहले वाले सर। सर आप ये लक्षण ऑप्शन की तो आप छोड़ो सर, क्या है क्या मेरे लक्षण है क्या नहीं, वो तो छोड़ो आप। हाँ जी, आप जो बताइए। हाँ ये आप मतलब क्या हो गया आज आपके साथ, मतलब ऐसा कैसे बात कर रहे हो आप अभी? सर मेरे पास आपका केस पहली बार आया है। अरे तो मेरे भाई पे केस आया हुआ है, ये तो हाई लेवल पहले चीज होगा ना आपके पास। हाई लेवल केस का मतलब क्या होता है भाई साहब, पहले या तो ये समझाओ मेरे को। हाई लेवल का केस मतलब होता है कि इसके बाद आपका केस जाएगा सीधा एनपीए में। एनपीए में चला जाएगा सर, फिर बताओ क्या करें? एनपीए में जाएगा फिर क्या होगा सर? फिर तो सर लीगली एक्शन होगा ना, आपका जो जितने का सामान होगा 35-40 हजार रुपए का, वो ले जाएंगे आपके घर से। ले जाएंगे ऐसे ही और ले जाएंगे और मैं ले जाने दे दूंगा सर? ये तो बेशर्मा वाली बात कर रहे हो आप। यार भाई साहब एक बात बताओ, मैं आपसे अभी तक तमीज से बात कर रहा हूँ, आपकी शायद समझ में नहीं आ रही आपको मेरी बात, है ना? सर तमीज से क्या बात कर रहे हो, बताओ 35 हजार रुपए ले रखे आपने, देने नहीं, आप। नहीं भाई, अरे यार देख भाई, देख इतनी तेज तरीके से तू बात कर रहा है ना, या तो तेरी आईडी नहीं, कौन हूँ आपको नहीं पता? अरे आपको नहीं पता कौन बोल रहा हूँ मैं भाई, मेरे को कौन सा आप कहोगे, आप बाबूजी करवा रहा हूँ पेमेंट अभी। अबे जालवे यहाँ से करवा रहा हूँ कॉल, क्या है तेरी माँ चोद दूंगा भोसड़ी के वहीं आकर के। चुपचाप सुन ले मेरी बात, तेरा चुपचाप पेमेंट करवा, अभी करवा रहा हूँ भाई साहब, नहीं करनी पे। अच्छा अच्छा सॉरी सर, मैं तो डर गया। सारे क्या कह रहा है, पेमेंट करवा दो, 35 हजार रुपए लेके बैठा है चोर साले। तेरा एक बार आधार कार्ड व्हाट्सएप कर दे, तेरे को इसी भोसड़े में नहीं घुसा दिया तो मेरा नाम भी नहीं है यार, कैसी बात कर रहा है तू? आधार कार्ड पे लिख के दे तू, पेमेंट नहीं कर रहा मैं, आधार कार्ड पे लिख के दे मेरे को। तेरे पास तो मेरा आधार कार्ड है ना, तेरे पास तो है ना मेरा आधार कार्ड, मेरे को पेमेंट चाहिए। तेरे पेमेंट क्यों चिल्ला क्यों रहा है, टट्टी कर दी क्या तेरी, टट्टी कर ली क्या तूने वहीं पर ही, क्यों चिल्ला रहा है? भाई टट्टी तो खिलाऊंगा तेरे को, जो टट्टी टट्टी कर रहा है ना, टट्टी खिलाऊंगा, रुक जा दो दिन। ए जा रे भोसड़ा के, जा रे चूत के दल्ले, मादर चोद तेरी जीजी की चूत में घुस गया क्या, मादर चोद बहन के लोड़े गांड में घुस गया क्या, टट्टी खा ली के तूने मादर चोद आज खाने में, तेरे मैनेजर ने लोड़ा खिला दिया कि तेरे को मादर चोद, कैसे चिल्ला रहा है, चुत गया क्या मादर चोद, अरे चूत में घुस के तो कोई भी बात कर लेगा मादर चोद,
तू भी तो चूत का। अरे चूत का भोदड़ा का है तू तो, मादर छोद मैं तो चूत का ही हूँ। मेरी छोड़ माँ के लोड़े डल्ले चूत के चुदड़े चुदड़े चूत लिया क्या मादर छोर? चूत का रस पिया है क्या जा करके भोजड़ी के? ओ चूत का रस पिया है क्या भोजड़ी के? ओ भोजड़ी के ओ भोजड़ी के ओ डल्ले मादर छोद चूत पी लिया क्या मादर छोद? अरे चूत का पी लिया क्या मादर छोद? चूत पीली के मादर छोद? अरे चूत पीली के मादर छोद? अरे चूत पीली के मादर छोद? तू तो बाप का है नहीं भोजड़ी के इजड़ा है तू तो मादर छोद। उजड़े बहन छोद तेरी माँ का चुदा मादर छोद चिल्ला रहा है भोजड़ी का दल्ला बैठ का लोड़ा मादर छोद मादर छोद मादर छोद मादर छोद चूतिया मादर छोद बहन के लोड़े चिल्ला रहा मादर छोद। अरे चूतिए लंडके 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 क्यों भोजड़ी के तू चूत करी है क्या मादर चोद? तभी क्यों लगेगी तेरे चूत में? अरे भोजड़ी के अरे मादर चोद क्या हुआ भाई बोलना दल्ले बोल दल्ले बोल क्यों तेरे बाप ने तेरी मैया के चूत में फेवी क्यों लगा दी क्या? तेज कैसे बोला है तू भोजड़ी के? आ जा चल बे। अरे चल बे चूतिए तेरे को पता भी है क्या भोजड़ा के चूत में से घुस करके तो कोई भी बात कर लेगा। समझ में आई ना तेरे बात? बिना नाम के मैं अपनी माँ का दी बस अगर मैंने फोन पे तेरे को ना बताया तो क्या मैं अपने बदला सिर्फ दो दिन में बदला ना लिया ना तो मैं अपने माँ का दी जा। चल ठीक है चल बे चल। अरे चल यदि तू एक ही बाप की औलाद है ना तो तेरे पास मेरा एड्रेस है सुन। माँ के चुदे चूत के अंदर घुस के तो कोई भी बोल लेगा। अरे सुन बे अरे तूने तेरी माँ के निप्पलों पे चढ़ गया क्या भोसड़ी के आज मादर चोद? तेरी चूत के अंदर घुस जा मादर चोद। क्यों जा? अरे तेरी माँ तो मैंने